hello everyone let's start our today's class with third type of leadership style that is laissez-faire or freedom leadership style it is also called individual centered style so far we have read about autocratic leadership style and democratic leadership style in autocratic leadership style we have seen that all the authority and responsibility lie in only one hand that, one, uh, that is leader एंड इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वी हैव सीन डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम जहाँ पर कुछ पावर एम्प्लॉयर के पास है तो कुछ ज़रूरी पावर एम्प्लॉज़ के पास भी है एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रिन लीडरशिप स्टाइल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर एम्प्लॉज़ के पास ही होती है इसमें मैनेजर सब पर्सन को उसका वर्क समझा देता है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करवा देता है सबॉर्डिनेट खुद अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं जिसमें एम्प्लॉयर हेल्प करता है एंड अगर किसी एम्प्लॉय को हेल्प की ज़रूरत होती है एडवाइस की ज़रूरत होता है तो दैन दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयर तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है यू कैन से इट इज़ अपोजिट टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम फीचर्स फर्स्ट इज़ फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर लीडर देखो आउटसाइड है बट यहाँ पर जो ए बी सी डी ये चारों इम्प्लॉइज है लीडर के ये आपस में सब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ए जो है वो बी के साथ भी कॉन्टैक्ट में है सी के साथ भी कॉन्टेक्ट में है डी के साथ भी कॉन्टैक्ट में है सिमिलरली ऑल इंप्लॉयज़ आर इन कॉन्टैक्ट भी डीजे था तो यहाँ पर इनको पूरी अथॉरिटी दी गई है पूरा फ्री स्टाइल में ये मूव कर सकते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऐसी लीडरशिप स्टाइल में अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा लेवल ट्रस्ट होना ज़रूरी है तो ये जहाँ अप्लाई किया जाता है वहाँ पर एक एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉयज़ में फुल फेथ होता है सबॉर्डिनेट के पास डिसीज़न लेने की पावर होती है तो सबॉर्डिनेट मैनेजर से कंसल्ट करके डिसीज़न ले सकता है सो दैट इज़ वाई इट इंक्लूड्स इन डिसीज़न मेकिंग सिस्टम थर्ड इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी बांट दी गई है सबको अथॉरिटी दी हुई है कि आप इस लेवल तक डिसीज़न ले सकते हैं हर एम्प्लॉय को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली जब अथॉरिटी असाइन की जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ के साथ ही चलती है वो भी आ जाती है तो मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़न लेने की जो पावर है वो अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे इम्प्लॉयज़ अपने अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स एक्शन ले सकते हैं मैनेजर यहाँ क्या करता है कोऑर्डिनेट करता है डायरेक्ट करता है और बिल्कुल जनरल लेवल का कंट्रोल रखता है जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो फोर्थ वन इज सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल्ड क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी डिफाइन होता है ऑब्जेक्टिव सबने अपने, अपने आप डिटरमाइन करने हैं तो ये ऑटोमेटिकली चलता है सिस्टम सब सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं बट अगर कुछ uh, यहाँ पर तभी मैनेजर इंटरफेयर करता है अगर कोई कंडीशन ख़राब हो जाती है तो जैसे हर स्टाइल के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं तो इस स्टाइल के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेंगे फर्स्ट एडवांटेज इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट देखो जब सबॉर्डिनेट्स के पास इतनी पावर होंगे वो डेली इतने डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो इस स्टाइल से सेल्फ कॉन्फिडेंस सबॉर्डिनेट में बूस्ट होता है एंड वी नो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी पर्सन की हाई लेवल मोटिवेशन मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को सब अथॉरिटी दी है तो उन्हें भी लगता है कि हाँ उनकी वैल्यू की जा रही है उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है जिससे वो खुद से उनका मोरल इंक्रीज़ होता है वो मोटिवेट होते सेल्फ मोटिवेट होते हैं एंड अपना फुल वर्क फुल एंथ्यूज एंथ्यूज के साथ परफॉर्मेंस देते हैं थर्ड इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज़ देखो ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी तो ट्रांसफ़र कर दी गई है तो मैनेजर के पास अब टाइम बच जाता है कि वो और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर काम कर सकते हो वो देख सकते सोच सकते कि किस तरीके से ओवरऑल एंटरप्राइज़ को डेवलप किया जाए एंड ऑब्वियसली सब इम्प्लॉइज ऑलरेडी हाईली मोटिवेटेड है तो वो भी अपने लेवल पर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे होते हैं बट ऑफकोर्स देर आर सम समिसवान्टेजेस और लिमिटेशन ऑफ दिस फ्री इन लीडरशिप स्टाइल फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन इट्स नॉट इजी टू कोऑपरेट क्योंकि इनको इन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है इम्प्लॉयज़ पर इम्प्लॉयीज़ सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं सुपरवाइजरी भी क्या सुपरवाइज कोई नहीं करता इन्हें अब ज़रूरी नहीं है सभी पर्सन हार्ड वर्कर हो कुछ शर्कर भी होते हैं तो अगर ऐसे इंप्लॉयज़ आ गए तो काम में प्रॉब्लम आ जाएगी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजर को कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर ये स्टाइल अडोप्ट किया जाता है तो सेकेंड इज़ लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट देखो मैनेजर ने तो ना प्लान करना ना डिसीज़न लेने तो ऑब्वियसली जो मैनेजरियल पोस्ट की वैल्यू है रिस्पेक्ट है वो थोड़ी कम होती है उससे इफेक्ट पड़ता है थर्ड वन इज़ दिस स्टाइल इज़ सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड इम्प्लॉयज़ एज एम्प्लॉय हैव टू मेक देयर ओन प्लान दे हैव टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन एंड ऑल्सो दे हैव टू सेट देयर ऑब्जेक्टिव सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी एन एम्प्लॉय वेरी हाईली एजुकेटेड इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस मैथड दैन वी कैन सी वेयर फॉलोअर्स और इम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस एंड एजुकेटेड दिस मैथड वर्क वेरी वेल एंड वेयर फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देअ वर्क एंड दे ड्राइव इट सक्सेसफुल ऑन देअर ऑन जहाँ उन्हें लगता है कि हाँ वो खुद से काम कर रहे हैं दैट उन्हें अच्छा लग रहा है देर फील रिस्पेक्टफुल और साथ ही उन्हें लगता है कि वो सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं अपने काम को अच्छा जहाँ पर हम आउटसाइड एक्सपर्ट लेते हैं कंसल्टेंट लेते हैं जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं वहाँ जब हम ऐसे और लेते हैं हम किसी टीम में तो वहाँ पर तो ये स्टाइल बहुत अच्छे से चल सकता है क्योंकि सबको अपने अपने ऑब्जेक्टिव पता है सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या अचीव करना है तो वहाँ ये स्टाइल बहुत ही अच्छा रहेगा एंड डेफिनेटली फॉलोअर्स ट्रस्ट हुआ होने चाहिए तभी ये लीडरशिप स्टाइल यूजफुल रहेगा सो अब हमने तीनों लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिए हैं यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्टाइल

कम्युनिकेशन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हमें लगता है कि हमें सिर्फ अपने आइडियाज़ ही तो बताने हैं बट कम्युनिकेशन का मतलब है आपको अपने आइडियाज़ इस तरीके से बताने हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसी वे में ही रिसीव करे। अब अगर आप बताना कुछ चाहते हो और वो समझ कुछ रहा है आपकी बातों से मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ठीक है तो सेम फीलिंग शेयर होनी चाहिए जो आप बताना चाह रहे हो सेम वही बात दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट होनी चाहिए पहुंचनी चाहिए देन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन इन दर्ड्स ऑफ केट टैविज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब इन्फॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग को पास करने के लिए एक प्रोसेस अडोप्ट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कम्युनिकेशन अच्छा ये भी एक प्रोसेस क्यों है देखो प्रोसेस का जहाँ भी जहाँ भी प्रोसेस वर्ड यूज होता है वहाँ आपको ये समझना है जो चीज़ कंटिन्यूटी में चलती है उसे प्रोसेस कहा जाता है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो अब कल आने वाली वीडियो में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे बिफोर दैट लेट्स रीड सम फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिकेशन देर मस्ट बी टू और मोर पर्सन अब कम्युनिकेशन में आइडिया फैक्ट्स या थॉट्स को शेयर किया जाता है तो अगर कुछ कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए ना कोई लिसनर होना चाहिए ना जो आइडिया को सुने तो दैट इज़ वाई कोई भी कम्युनिकेशन में दो पर्सन रहते हैं एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर जिस जो बोल रहा है जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है दैट इज़ द सेंडर जो सुन रहा है रिसीव कर रहा है दैट इज़ द रिसीवर सेकेंड इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अब कम्युनिकेशन में आइडियाज़ फैक्ट्स थाट्स कुछ भी शेयर किया जाता है एक्सचेंज मतलब पहुंचाया जाता है दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेशन में अगर ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया ही ना हो या एबसेंट हो तो कम्युनिकेशन किसका करेंगे किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता तो so, पहला था कि दो पर्सन होने चाहिए अब सेकंड फीचर है कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया भी होना चाहिए जो दो पर्सन के बीच में होगा थर्ड इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो जो सेंडर है जो चीज़ कहना चाहता है ना रिसीवर भी उसी फॉर्म में ही अडोप्ट करेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा आई मीन अंडरस्टैंड करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इन्फॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विद विच इट इज़ बींग गिवन उसी स्पिरिट में ही ले उसी सेंस में ले जिस सेंस में उसे दी गई है देखो कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को समझना मोर इम्पॉर्टेंट है ना कि उसको पूरा करना ज़रूरी नहीं है देखो आपको जो आइडिया शेयर किए गए हैं जो बिलीव शेयर किए गए हैं आप उनसे सहमत हो आप एग्री करो बट जरूरी ये है कि आपको समझ आए कम्युनिकेशन में कि आपको बताया क्या गया है आपसे कम्युनिकेट क्या किया गया है ओके okay? So, it is necessary to understand the information rather than carry it out. Fourth is direct and indirect communication. Direct means face to face, and indirect means without uh, in face communication.

एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स देखो कम्युनिकेशन सिर्फ औरल तो होता नहीं है रिटर्न भी होता है एंड सिम्बॉलिक भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन में रिंगिंग ऑफ बैल फॉर क्लोजिंग अ स्कूल और कॉलेज सेंग समिंग बाय द मोवमेंट ऑफ द नेक जैसे अगर आप सिर हिलाकर येस कहते हो तो वो uh, आप सिर हिला रहे हो तो वह हाँ का सिंबल uh, हो जाता है या स्कूल की बेल बजी तो छुट्टी का उसका पता चल जाता है आई से हम एंगर और डिसअप्रूवल भी दिखा सकते हैं एंड क्रिकेट में तो हम देखते ही है, है ना फिंगर्स के थ्रू कितने सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता है सो कम्युनिकेशन वर्ड्स में भी हो सकता है एंड सिंबल्स में भी हो सकता है सो दैट्स इट फॉर टुडे होप यू अंडरस्टैंड टू लेक्चर एज अ होमवर्क यू हैव टू रीड इट लर्न इट अगेन थैंक यू